आज तुम्हें एक चींटी और हाथी की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें समझ में आएगा हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे लिए कोई भी आदमी कभी भी मददगार हो सकता है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक जंगल में एक हाथी था, उसे अपनी ताकत का बहुत गुमान था। उसे लगता था कि सबसे ताकतवर है और उसे किसी जानवर की कभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वह हर एक जानवर का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन वह जंगल में चर रहा था, अचानक से तेज बारिश होने लगी और बिजली चमकने की आवाज़ होने लगी। यह बारिश से बचने के लिए वह हाथी एक गुफा में चला गया। जब वह गुफा में गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी है। उसने चींटी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कितनी छोटी हो, मैं तो जब चाहे तुम्हें मसल सकता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। देखो मैं कितना बड़ा हूँ और मेरे पैर देखो कितने ताकतवर हैं। अभी मैं एक पैर से मारूंगा, देख लेना गुफा भी टूट जाएगा। इस क्या कहकर उसने गुफा पे एक पैर चला दिया। उसके गुफा के पैर लगने से एक बड़ा सा पत्थर आकर गुफा के रास्ते पे आ गया। अब तो हाथी डर गया, वह सोचा अब तो गुफा बंद हो गया, मैं कैसे निकलूं। वह बहुत परेशान हो गया। वह अंदर से मदद के लिए चिल्लाने लगा लेकिन बाहर उसकी आवाज़ ही नहीं जा रही थी। यह देखकर चींटी ने कहा, देखो तुम्हें अपनी ताकत का गुमान था ना, अब तुम कैसे निकलोगे, मैं तो छोटी हूँ, मैं तो तुरंत निकल जाऊँगी। हाथी ने बहुत कोशिश किया उस पत्थर को हटाने का लेकिन वह हटा नहीं पाया। तब उसने कहा कि चींटी रानी मुझे माफ़ कर दो और मेरी मदद करो। तब चींटी गुफा के रास्ते से बाहर निकल गई और उसने जंगल के अन्य जानवरों को बुलाया और बताया कि हाथी अंदर फंस गया है। तब और जानवरों की मदद से गुफे के रास्ते पर पड़ा पत्थर सभी जानवरों ने मिलकर हटाया। इस तरह हाथी जब बाहर आया तो वह बिल्कुल बदल चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें एक और दूसरी कहानी सुनाता हूँ, एक खटमल और एक जू की। जू जो बाल में रहते हैं हमारे, है ना, बाल अगर हम नहीं नहाते हैं तो हमारे बालों में जू हो जाएंगे जो हमेशा काटते रहते हैं। एक जू एक राजा के बालों में रहती थी और वो जब मौका मिलता तो राजा का खून चूस के रहती थी। एक बार वह बाहर आराम से जो राजा का खून चूस रही थी तभी उसने देखा कि एक खटमल वहाँ दिखा। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? तो खटमल ने कहा, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। तो जू ने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो खटमल ने कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ, गेस्ट के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। इस तरह उसने मीठी मीठी बातें करके जू को अपने विश्वास में ले लिया। तो जू ने कहा कि तुम यहाँ क्या करोगे? तो खटमल ने कहा कि मैं भी थोड़ा सा खून चूसूंगा राजा का, मुझे भी तो टेस्ट लगने दो। तो जू ने कहा कि लेकिन राजा को दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा तुम खून चूसना। अब तो खटमल खुश हो गया। जब राजा सोया, खटमल राजा का खून चूसने के लिए पहले से ही बेचैन था। वह जल्दी से गया और राजा के हाथ से खून चूसने लगा। वह भूल गया खून चूसने में कि उसने जोर जोर से खून चूसना स्टार्ट किया। तभी अचानक राजा का नींद टूट गई। राजा की जब नींद टूटी तो राजा को समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ यहाँ है। इसके बाद उसने अपने सैनिकों को बोला कि इस बेड पे देखो, कुछ मुझे काटा है, मेरा खून निकल रहा है। यह सुनकर खटमल चुपके से भाग गया लेकिन जू बेचारी पकड़ी गई और राजा के सैनिकों ने जू को मार दिया। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी अनजान के चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करके नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक शेर, एक बिल्ली और एक चूहे की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह अपने गुफा में आराम करता था और बाहर किसी भी जानवर को मिलता था शिकार करके आराम से खाकर सो जाता था।
उसी शेर के गुफा में चूहा रहता था, उसे भी कुछ कुछ खाने को मिल जाता था। एक दिन शेर आराम कर रहा था, चूहा उठा और गलती से वह शेर का बाल ही कुतर गया। इसके बाद जब शेर की नींद टूटी तब उसने देखा उसका बाल कोई कुतर गया। उसे समझ में आ गया कि जरूर इस गुफा में कोई चूहा रहता है। वह बार बार चूहे पर नज़र रखता लेकिन पकड़ नहीं पाता। जैसे ही वह चूहा की ओर, चूहा बिल में घुस जाता। शेर परेशान हो गया, सोचा है चूहा मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मैं क्या करूँ। तभी उसे एक उपाय सूझा, उसने सोचा एक बिल्ली को ले आता हूँ। वह एक बिल्ली को लेकर आ गया। अब बिल्ली शेर के गुफा में रहती थी आराम से, शेर जो शिकार करता उसमें से बिल्ली को भी मिलता, बिल्ली भी खुश थी। अब बिल्ली के डर से चूहे ने निकलना बंद कर दिया। एक दिन चूहा भूख से बहुत व्याकुल हो गया, वह बाहर निकला। बिल्ली ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तो चूहे ने कहा कि बिल्ली रानी मुझे मत खाओ, मुझे खाओगी तो तुम्हारा काम ही ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तो शेर तुम्हें खुद ही खा जाएगा। लेकिन बिल्ली नहीं मानी। बिल्ली बोली नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मार दूंगी, तो शेर मुझे इनाम में बहुत सारा मांस देगा। यह कहकर बिल्ली ने चूहे को मारकर खा गया। जब शेर बाहर से आया तब उसने मरे हुए चूहे को देखा। उसने बोला ये तो बिल्ली ने बताया कि मैंने इसे मार दिया, अब मैं इसे खा जाऊंगी, अब आप मुझे इनाम दो। तब शेर को समझ में आ गया कि अब यह बिल्ली मेरे काम की नहीं, क्योंकि चूहा तो मर गया, अब मुझे किसी बात का डर नहीं, इसीलिए अब यह बिल्ली को मैं आज खा लेता हूँ। यह कहकर उसने बिल्ली को कहा मैं तुम्हें खाऊंगा। तब बिल्ली को समझ में आ गया कि चूहे ने सही कहा था, लेकिन वह बच नहीं पाई और शेर ने बिल्ली को भी खा लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जमाने के बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना काम निकाल लेने के बाद हमारी कद्र नहीं करते, इसीलिए हमें स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए।